दोस्तों आपको याद होगा कि हमने कंटेंट राइटिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा कंटेंट एस ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कॉन्टेंट या हमारा पेज एस सी है या नहीं है तो उसके लिए हम कुछ टूल्स का सहारा लेते हैं और उन टूल्स में वर्ड के कुछ प्लगिज भी शामिल हैं तो वर्ड के जो दो प्लगन्स हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनमें से कोई एक प्लगिन हम यूज़ करेंगे अपने एस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तो पहले नंबर पे है योस्ट योस्ट एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत पुराना और वाइडली यूज्ड एस प्लगइन है वर्डप्रेस का जो कि हमें बहुत सारे एस uh, के फीचर्स प्रोवाइड करता है और हमें न सिर्फ कंटेंट की uh, कुछ क्वालिटी और उसका एस स्कोर बताता है बल्कि रीडेबिलिटी स्कोर और बहुत सारे एस के ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है सेकंड नंबर पे है रैंक मैथ रैंक मैथ एक कंपैरेटिवली uh, नया प्लग है योस्ट के बाद आया लेकिन ये बहुत हैंडी बन चुका है अब बात याद रखने की ये है कि आपने इन दोनों में से कोई एक प्लग यूज़ करना है दोनों प्लगिन एट अ टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते और आई होप अगर आप ट्राई भी करेंगे यूज़ करने की तो आपको वार्निंग देगा कि आप कोई एक प्लगिन यूज़ करें या एक प्लगिन का डेटा अगर आप ऑलरेडी यूज़ करें तो माइग्रेट कर लें दूसरे प्लगिन पे। तो अभी हम चाह के देखते हैं प्रैक्टिकली कि हमने किस तरह ये प्लगिन इंस्टॉल करना है और किस तरीके से उनसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ सो एस का प्लग इंस्टॉल करने के लिए हमें अगेन वर्ड के एडमिन पैनल में आना पड़ेगा और वहाँ से प्लग के मेन्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से इंस्टॉल्ड प्लग का जो पेज है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने अपेयर हो जाएगा अच्छा ये जो दो प्लग आपको नज़र आ रहे हैं जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में ऐड होते हैं इसके अलावा हमने कैडेंस ब्लॉक्स एक प्लग किया अपने जो गुटनबर्ग के ब्लॉक्स हैं उनको बढ़ाने के लिए और साथ ही डब्ल्यू डमी डवी कॉन्टेंट जनरेटर आपने ये यूज नहीं करना मनी साइट पे हमने जस्ट आपको समझाने के लिए चूंकि इस पर प्रैक्टिकल करना था तो ये प्लग इन इंस्टॉल किया आपने अगर लाइव साइट है आप मनी साइट पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो देन आपने कोई भी डमी कॉन्टेंट ऐड नहीं करना आप स्ट्रेट अवे अपना जो प्रॉपर कॉन्टेंट है उसको ऐड करने से स्टार्ट लेंगे सो ऐड न्यू पे जाए ऐड न्यू प्लग पे और यहाँ पे हमने लिखना है रैंक मैथ आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं योस्ट भी यूज कर सकते हैं रैंक मैथ भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं रैंक मैथ ही यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं इंस्टॉल नाव पे क्लिक करूँगा इंस्टॉल नाव पे क्लिक करने के बाद मैं एक्टिवेट करूंगा सो प्लग एक्टिवेट करने के बाद मेरे सामने एक विजर्ड अपेयर हो गया सो मैं कनेक्ट फ्री अकाउंट अब अगर आपका अकाउंट कोई बना हुआ है तो आप कनेक्ट अकाउंट कर लेंगे अगर आप अकाउंट कनेक्ट नहीं करना चाहते रैंक मैथ के साथ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं खैर मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ आप जी के साथ अपने फेसबुक के साथ लॉगिन हो सकते हैं आपको ई से अलग से एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है सो so, प्लग मेरा एक्टिवेट हो गया और दोबारा स्क्रीन जो है विजर्ड की तरफ आ गई सो so, यहाँ पे रैंक मैथ मुझे दो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है एक है इजी मोड और दूसरा है एडवांस्ड मोड सो so, मैं इसके एडवांस्ड मोड को ही सिलेक्ट रखूंगा स्टार्ट विजर्ड यहाँ पे वो बताता है कि आपकी वेबसाइट के बारे में मुझे कुछ इन्फॉमेसन दो आपकी माय ब्लॉग इज़ अ पर्सनल ब्लॉग ब्लॉग न्यूज़ पर्सनल पोर्टफोलियो स्मॉल बिजनेस साइट अदर पर्सनल साइट अदर बिजनेस वेबसाइट सो आप इसको पर्सनल ब्लॉग भी रख सकते हैं अगर आप एफ़िलट बनाने जा रहे हैं क्योंकि उस पर हमारी पर्सनल रिव्यू uh, ही दे रहे होंगे या इसको अगर आप अदर पर्सनल वेबसाइट मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके अस्सीओ को इफ़ेक्ट नहीं करेगी आप आ, लोगो चूज़ कर सकते हैं ऑलरेडी उसने फैच कर लिया हमारा जो लोगो अपलोड कर रखा है हमने और इसी तरह से डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज अगर आपकी वेबसाइट कोई सोशल मीडिया पे शेयर करता है फेसबुक पे ट्विटर पे तो वहाँ पे जो थंबनेल नैला होगा वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं सो तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं कनेक्ट गूगल सर्विसेज तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रैंक मैथ का ये आपको गूगल सर्विसेज से कनेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इसमें आप वेरीफाई साइट ओनरशिप ऑन गूगल सर्च कंसोल इन अ सिंगल क्लिक देखें गूगल सर्च कंसोल में हम अपने हमने अपनी वेबसाइट ऐड करनी है तो उसके लिए हमें वेरिफिकेशन करवानी होती है अपनी वेबसाइट की तो रैंक मैथ से अगर हम गूगल से कनेक्ट कर लेंगे रैंक मैथ को तो हमें जो सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन है उसके लिए अलग से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा ट्रैक पेज एंड की रैंकिंग विद एडवांस्ड एनालिटिक्स मॉड्यूल

ट्रस्ट है कि ये हम इस कौन इस डेटा को या इस इनपरमिशंस को स्पैम नहीं करेगा सो सर्च कंसोल में मेरी कोई वेबसाइट अभी ऐड नहीं हुई हुई यहाँ से वो अपेयर नहीं हो रही तो सेवन कंटिन्यू कर लेता हूँ फिलहाल के लिए सो नेक्स्ट मैं जब अपनी वेबसाइट ऐड करूँगा तो मुझे दोबारा से वेरीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई फाइल वगैरह अपलोड नहीं करनी पड़ेगी अच्छा नेक्स्ट है साइट मैप साइट मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपकी वेबसाइट का तो साइट मैप्स को आपने इनेबल रखना है ये समझ लें कि आपकी वेबसाइट की जो ओवरऑल समरी होती है लिंक्स टू ऑल पेजेस ऑलमोस्ट वो आपके साइट मैप में आ जाते हैं और अगर कोई बॉट आपके साइट मैप को विजिट कर ले तो वहाँ से वो आपके तमाम पेजेस तक एक्सेस कर सकता है सो इंक्लूड इमेजेस यस इंक्लूड इमेजेस कर लें पोस्ट पेजेस दोनों को इंक्लूड कर लो और कैटेगरीज को भी इंक्लूड कर लो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ अच्छा नेक्स्ट है एस ट्वीक्स मतलब थोड़ी बहुत हमें ऑप्टिमाइजेशन uh, की ऑप्शन देता है कि आप अगर डिफरेंट फीचर्स uh, को यूज करना चाहते हैं ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पहला है नो इंडेक्स एम टी कैटगरी एंड टैग आरकाइव नो इंडेक्स होता है कि हमारे इस पेज को इंडेक्स मत करो गूगल अपने पास ना उठाए वो कहते हैं कि जो ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर कोई पोस्ट अभी तक ऐड नहीं हुई है वो एम टी पढ़ी है और इसी तरह कोई टैग है जिसके अंदर कोई पोस्ट ऐड नहीं हुई हुई तो क्या मैं उसको नो इंडेक्स रखूँ तो ऑब्वियसली नो इंडेक्स ही रखें क्योंकि उसके अंदर कोई कॉन्टेंट तो ज़्यादा है नहीं तो हम नहीं चाहेंगे कि गूगल उसको अपने पास सेव कर ले या इंडेक्स कर ले नेक्स्ट ऑप्शन है नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स हमारी वेबसाइट पे किसी बैरूनी वेबसाइट का जो भी लिंक जा रहा होगा वो एक्सटर्नल लिंक कहलाता है तो उसको नो no फॉलो रखने का पूछ रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस को नो no फॉलो रखना है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दें खैर नो फॉलो तमाम एक्सटर्नल लिंक्स को नहीं करना चाहिए अगर जिसको हमने करना होगा तो हम उसको मैनुअली नो फॉलो सेलेक्ट कर लेंगे ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब एंड विंडो अब इस पर भी ये बहुत कोई इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है ये आपके यूज़र एक्सपीरियंस से रेलिवेंट तो है कि अगर आपका कोई एक्सटर्नल लिंक जो कि मैंने अभी बताया है आपको क्या होता है उसको आप न्यू विंडो में ओपन करवाना चाहते हैं तो इसको टिक कर दें तो इसको भी मैं ऑफ ही रखता हूँ अगर मैं किसी लिंक को न्यू विंडो में ओपन करवाना होगा तो मैं मैनुअली उस लिंक के एट्रीब्यूट्स में जाके ये सेट कर सकता हूँ कि वो नए विंडो के अंदर ओपन हो अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ ओके योर साइट इज रेडी नाउ अब जो बेसिक सेटिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं साइट हमारी रेडी है रैंक मैथ के साथ काम करने के और एनेबल ऑटो अपडेट ऑफ द प्लग आप इसको भी इनेबल कर लें तो आपका जो प्लग है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाया करेगा और मैंने पहले बताया था कि अपने प्लगइन्स को थीम्स को अपने वर्डप्रेस को अप टू डेट रखना है सेटअप एडवांस्ड ऑप्शंस अब यहां से हम एक और स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि है एडवांस्ड ऑप्शंस सो रोल मैनेजर रोल मैनेजर क्या है कि आपने डिफरेंट यूजर्स बना रखे हैं अपनी वेबसाइट पर और आप नहीं चाहते कि हर यूजर को एडमिन प्रिविलेज हो तो यहाँ से आप रोल role को रोल्स को मैनेज कर सकते हैं कि किस यूजर को कितनी एक प्रिविलेज हासिल हो खैर अभी हमारा सिर्फ एक ही यूज़र है तो अभी हम इसको टच uh, नहीं करते आप सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक करते हैं नेक्स्ट है फोर ज़ीरो फोर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है समटाइम्स आपने एक पेज के अंदर अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज का लिंक एम्बेड uh, किया और पता चला कि आपने यू आर एल कोई मिस मैच आप पुट कर बैठे थे अब वो आर्टिकल लाइव हो जाता है गूगल उसको इंडेक्स कर लेता है आपके सर्च कंसोल के अंदर एरर आ जाता है कि आपके फोर ज़ीरो फोर पेज है और आप परेशान होते हैं कि मैंने तो कोई uh, ऐसी चीज़ नहीं की जिससे कि 404 का जो एरर है वो अकर हो तो समटाइम्स इस छोटी चुछ छोटी मसलों की वजह से आपको एरर्स का सामना करना पड़ सकता है वार्निंग का सामना करना पड़ सकता है अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में सो so, 404 जीरो फोर को आप ऑन ही रखेंगे इसी तरह री को भी आप ऑन रखें कि अगर हमें किसी किस्म की रीडायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो हम ये फीचर यूज कर सकें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ ओके नेक्स्ट है जी स्कीमा मार्कअप अनदर वेरी यूजफुल ऑप्शन अनदर वेरी यूजफुल फीचर ऑफ रैंक मैथ स्कीमा टाइप को आप इनेबल रखेंगे स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट आर्टिकल ही रखेंगे आप आर्टिकल टाइप क्या है जी आपका ब्लॉग पोस्ट है न्यूज़ आर्टिकल है या आर्टिकल है आप आर्टिकल या ब्लॉग आर्टिकल आप सेट कर सकते हैं स्कीमा टाइप फॉर पेजेस अब पेजस जो हैं वो आर्टिकल जो नॉर्मली नहीं होते तो आप उनको मैनुअली वहाँ जाके सेटअप कर लेंगे फिलहाल आप नन पे क्लिक कर सकते हैं सो so, स्कीमा को हमने इन डेप्थ एक अलग लेक्चर में भी डिस्कस करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो अभी हमने अभी इस विजट को क्लोज कर दिया और ये स्क्रीन हमारे सामने अपेयर हो गई अब तो आप देख सकते हैं कि फोर ज़ीरो फोर मोनीटर ये इनेबल्ड है ए सी एफ एडवांस कस्टम फील्ड का जो ऑप्शन है अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं ये एक प्लग इन होता है जो रैंक मैथ के साथ अगर आप सिंक करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर देंगे इस तरह ए का ऑप्शन है एनालिटिक्स का ऑप्शन है बी बी प्रेस एक फोरम का प्लग होता है वो आप यूज़ करना चाहते हैं बड़ी प्रेस यूज करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हैं तो उनको आप इनेबल कर लेंगे अगर आपकी वेबसाइट में लोकल एस या नॉलेज ग्राफ यूज़ हो रहा है तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं री डायरेक्शन को हम ऑलरेडी ऑन कर रख चुके हैं स्ट्रक्चर डेटा को भी इनेबल रखना है एंड ऑल डन सो यहाँ पे हमने बेसिक जो इंस्टॉलेशन थी रैंक मैथ की वो कंप्लीट कर ली है और मज़ीद हम एनालिटिक्स को और इसके फर्दर जो मेन्यूज़ uh, हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं सो so, यहाँ पे ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंप्रेशन अब ये आपके जो गूगल सर्च कंसोल है उससे कनेक्ट हो गया वहाँ से डेटा फेच करके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा बहुत यूजफुल uh, चीज़ है ट्रैक कीवर्ड परफॉर्मेंस जो आपके टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स होते हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हैं अगेन ये वाला डेटा भी आपके सर्च कंसोल से कनेक्शन के बाद ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा और फ्री रैंक मैथ पे अवेलेबल नहीं है इसके लिए पेड प्लग होना बहुत ज़रूरी है सो कीवर्ड पोजिशन कौन सी कीवर्ड आपके टॉप थ्री पोजिशन पे हैं कौन से फोर टू टेन पोजिशन पे हैं और कौन से टॉप फिफ्टी uh, में आपकी ब्लॉग पोस्ट आती हैं तो वो यहाँ पे आपके सामने अपेयर हो जाएगा इसी तरह टॉप फाइव विनिंग एंड लूजिंग पोस्ट के कौन सी पोस्ट आपकी सर्च इंजन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही थी और कौन सी अपनी परफॉर्मेंस लूज़ कर बैठी हैं तो वो भी आपके सामने यहाँ पे अपेयर होगा लेकिन उसके लिए आपको अपने रैंक मैथ को अपग्रेड करके पेड पे ले जाना पड़ेगा हम अपने एनालिटिक्स के नेक्स्ट मेन्यू पे चलते हैं साइट एनालिटिक्स इसमें अगेन वही आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है और आपकी डिटेल्स हैं वो अपेयर हो रही होंगी तो ये बहुत अच्छा आपके सामने एक समझ लेके एक वन स्टॉप शॉप है आपको डिफरेंट जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है यहीं पे ही रैंक मैथ आपको सारा डेटा डिस्प्ले करवा देगा सो so नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी रैंक मैथ के जनरल सेटिंग्स की तरफ अच्छा इसमें पहला ऑप्शन है स्ट्रिप कैटेगरी बेस आपको याद होगा कि जब हमने कैटेगरी बनाई थी और कैटेगरी को हम विजिट करते हैं अपने वेबसाइट पर तो डोमेन डॉट कॉम सपोज अगर आपके डॉट कॉम में है स्लैश कैटगरी स्लैश कैटगरी का नाम आता है तो अगर उस दरमियान वाले कैटेगरी के वर्ड को स्ट्रिप करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन इनेबल uh, कर लेंगे स्ट्रिप कैटेगरी बेस रीडायरेक्ट अटैचमेंट्स नॉर्मली ये ओल्ड फैशन एक चीज़ है अब भी ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि आपके तमाम अटैचमेंट्स के एक नया पेज बन जाता था और वो नया पेज गूगल को बहुत कन्फ्यूज़ करता था कॉन्टेंट के लिहाज से तो रीडायरेक्ट अटैचमेंट तो अटैचमेंट वाला जो पेज है वो आपके जो पेरेंट यू है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा अगेन वही सेटिंग्स आ गई जिनको हम डिस्कार्ड किया था अपने विजट वाले ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट है ब्रेड क्रम ब्रेड क्रम के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसको एनेबल ही कर लें बेहतर है सेफ चेंजेस कर लेता हूँ वेब मास्टर टूल्स गूगल सर्च कंसोल को आपने आ, अगर यहाँ पे ऐड करना है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं हेडलेस सी एम एस स्पोर्ट थोड़ी टेक्निकल चीज़ है हमसे रेलिवेंट नहीं है फिलहाल तो हम इसको स्किप कर देते हैं रोबो डॉट ई एक्स टी को अगर आप एडिट करना चाहते हैं इसी तरह डॉट एस टी एक्सेस को एडिट uh, करना चाहते हैं जो कि आपने नहीं करना वरना वेबसाइट ब्रेक भी हो सकती है फोर जीरो फोर पेजेस देखना चाहते हैं और उनकी सेटिंग करना चाहते हैं अपना एनालिटिक्स की सेटिंग करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं नेक्स्ट हैं जी टाइटल्स एंड मेटा अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रोबोट मेटा को हमने इंडेक्स ही रखना है इंडेक्स क्या मतलब है कि हमने गूगल को सर्च इंजन की बात करता हैं मैं गूगल का नाम ले लेता हूँ गूगल को हम अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो बल्कि सजेस्ट कर रहे हैं अलाउ तो ये होता है कि हम डिसअलाउ भी कर सकते तो डिसअलाउ करते तो हैं लेकिन ऑनर करना आगे गूगल की अपनी मर्जी पर डिपेंड कर रहा होता है सो so यहाँ से आप इसको इंडेक्स ही रखेंगे ये ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैपिटलाइज टाइटल टोमेटिकली कैपिटलाइज द फर्स्ट करेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन द टाइटल वैसे इसको एनेबल रखें तो बेहतर है अगर आप ये एनेबल नहीं रखते तो आपने इसका मैनुअली ख्याल रखना है कि टाइटल के अंदर आपके हर वर्ड का जो पहला करेक्टर है वो कैपिटल हो तो सेव चेंजेस डन हियर लोकल एस आप अगर आपकी वेबसाइट लोकली आप रैंक करना चाहते हैं तो आप लोकल एस की सेटिंग्स को आ, टच करेंगे नेक्स्ट है सोशल मेटा फेसबुक अगर आपने पेज बना लिया हुआ अपनी वेबसाइट का जो कि मैंने आपको कहा था कि आपने सेटअप करना है तो उस पेज का यू आप यहाँ पर पे पेस्ट कर देंगे अगर आप मज़ीद ऑथरशिप ऐड करना चाहते हैं ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को फेसबुक के साथ तो आपको ये तमाम जो ऑप्शन हैं इनको भी फिल करना पड़ेगा नेक्स्ट हम होम पेज पे आते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आपने स्टैटिक पेज को एज अ होम पेज सेट कर रखा है जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था तो अब आपको उस होम पेज को एडिट करना पड़ेगा उस पेज के टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह को एडिट करने के लिए नेक्स्ट है ऑथर पेज ऑथर आरकाइव को डिसेबल ही कर दें तो बेहतर है सेव चेंजेस देखिए हमने अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड रखना है हम नहीं चाहते कि हमारा सेम कंटेंट जगह 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 अपने हमारी वेबसाइट पे फैला हुआ हो वो कैटेगरी में भी शो हो रहा हो वो टैग में भी शो हो रहा हो वो किसी मंथली आरकाइव में भी शो हो रहा हो वो डेट आरकाइव में भी शो हो रहा हो तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते तो हम अपने ऑथर आरकाइव को डिसेबल ही रखेंगे नेक्स्ट टाइम इसलिनियस पेजेस डेट आर्काइव्स को भी हमने डिसेबल कर दिया नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट्स इनको नो no इंडेक्स ही करें ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं सर्च रिजल्ट से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट के जो इंटरनल सर्च बॉक्स है अगर कोई उसको उसमें कुछ टाइप करता है और उसको एक सर्च रिजल्ट पेज मिलता है तो क्या उसको इंडेक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो इसको नो no इंडेक्स ही रखें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक इशू भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि आपकी वेबसाइट पे किसी ने कोई ऐसी चीज़ सर्च की जो कि अलाउड नहीं थी या नहीं होनी चाहिए थी या कोई ऑब्जेक्शन कंटेंट सर्च कर लिया तो वो एक नया पेज बना देगा और वो पेज अगर गूगल ने इंडेक्स कर लिया तो वो उस पेज को आपकी वेबसाइट का पार्ट समझेगा तो यहाँ से बहुत सारे इश्यूज़ रेज हो सकते हैं तो बेहतर है कि आप सर्च रिजल्ट को या तो उस मसले का हल ढूंढ लें या इसको नो इंडेक्स ही रखें नो इंडेक्स पेजिनेटेड पेजेस यस लेट्स सपोज अगर आपके एक कैटेगरी के अंदर बीस आर्टिकल्स हैं और एक पेज पर दस आर्टिकल शो हो रहे हैं तो दो पेजेस बन जाएंगे तो एक पेज को इंडेक्स कर लेगा दूसरे पेज पर पे जाएगा गूगल उसको भी इंडेक्स कर लेगा जो कि डुप्लीकेट कंटेंट अगेन बार 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 इंडेक्स होगा तो हमने पेजिनेटेड पेजेस को नो इंडेक्स ही रखना है नो इंडेक्स आर्काइव ऑफ पेजेस बिल्कुल ऐसे करना है जी और सेव चेंजेस हम कर देते सो so, नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट की तरफ अब यहां पे वो हमें ऑप्शन देता है कि आप अपने पोस्ट के टाइटल को कैसा दिखाना चाहते हो वो कहते हैं कि टाइटल आपके जो पोस्ट का टाइटल है वो आए देन सेपरेटर आए और देन आपकी वेबसाइट का साइट नेम आए तो ये बिल्कुल ठीक है एग्जाम्पल आपका होम पेज डैश और माई ब्लॉग जो हमारी वेबसाइट का टाइटल था वो डिस्प्ले हो जाएगा सो दैट्स फाइन सिंगल पोस्ट की डिस्क्रिप्शन एग्जैल्ट शो हो रही है एग्जल्ट ही शो होनी चाहिए स्कीमा टाइप आर्टिकल Headliner, SEO Title, SEO टाइटल Link Suggestions, Primary Taxonomy, लिंक Enhanced प्राइमरी so स्लैक शेयरिंग सो इन को आप एज इट इज़ रहने दें क्योंकि ये आ, by डिफॉल्ट ही ठीक है सो so, इसी सेम जिस तरह हमने पोस्ट के डेटा को ऑप्टिमाइज किया इसी तरीके से हम pages को करेंगे इसी तरीके से हम अटैचमेंट्स को करेंगे और सेम तरीके से हम categories की सेटिंग से पहुँचेंगे और कैटेगरीज को भी हमने यहाँ से ऑप्टिमाइज करना है सो so, कैटेगरी की टर्म सेपरेटर और साइट नेम टर्म डिस्क्रिप्शन कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन कैटेगरी आर्काइव्स, रोबोमेटा और इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे नेक्स्ट है जी टैग्स की सेटिंग्स, ये भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने टैग्स को नो no इंडेक्स रखना है या इंडेक्स करवाना है अच्छा ये बड़ा डिबेटेबल एक बात है इसको हम इनशाला किसी और लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए आप इसको नो इंडेक्स रखें अगर आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है या आप टैग्स पे रिलाई नहीं कर रहे तो आप इसको नो इंडेक्स ही रखेंगे और देन आप सेव चेंजेस कर देंगे नेक्स्ट है साइट मैप की सेटिंग्स लिंक्स पर साइट मैप 200 200 टू हंड्रेड साइट मैप आपको छोटा होना चाहिए अगर लेंथी हो रहा है तो आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और यही काम आ, रैंक मैथ कर रहा है लिंक्स पर साइट मैप टू इमेजेस भी साइड मैप के अंदर ऐड करो इंक्लूड फीचर इमेज बिल्कुल ऐड करो जी और पिंक सर्च इंजन पिंक सर्च इंजन क्या है कि जब भी आपका साइट मैप अपडेट हो तो ऑटोमेटिकली गूगल को बता दे कि भाई कोई नई अपडेट आई है और उसको आप इंडेक्स कर लो प्लीज और नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट पोस्ट को इंक्लूड करना है पेजेस को अटैचमेंट्स को हम नहीं छेड़ रहे कैटेगरीज को करना है और टैग्स वो हमने नहीं करना क्योंकि टैग्स पे हम रिलाई नहीं कर रहे सो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सिर्फ बिंग के लिए है बिंग सर्च इंजन के लिए इंस्टेंट इंडेक्सिंग सो यहाँ पे आपके जितने भी आर्टिकल्स पोस्ट हो चुके हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे आपने सिंपली उनको सबमिट यू करना है और वो बिंग के सर्च इंजन को सबमिट हो जाएंगे उसके लिए आपको एक ए की की जरूरत पड़ेगी और वो आप यहाँ पे ऐड करके uh, यहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं सो so नेक्स्ट है 404 मॉनिटर। इसकी सेटिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो भी 404 जीरो फोर यू आर एल्स होंगे वो यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे देन हम उनको फिक्स कर सकेंगे रीडायरेक्शन अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक पोस्ट को किसी दूसरे पोस्ट पर एक यू को किसी दूसरे यू पे रीडायरेक्ट करना है तो वो यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट एस सी आप साइट वाइड एस सी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या पोटेंशली इशूज़ हो सकते हैं और देन आप उनको वन बाय वन फिक्स भी करेंगे नेक्स्ट है स्टेटस एंड टूल्स और ये हमारा जो रैंक मैथ की सेटिंग्स थी बेसिक वो कंप्लीट हुई आपने इसको एज इट इज ही करना है जैसे मैंने किया तो आपके जो बेसिक रैंक मैथ की सेटिंग्स है वो कम्प्लीट हो जाएंगी अगर आप इसकी जगह पे योस्ट तो यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन नो वरीज इन दोनों में से लेकिन एक प्लग यूज करना है थैंक यू